छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने महापौरों व सभापतियों से बैठक ली है। वहीं उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर व कई मुद्दों पर उनसे चर्चा भी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंची हैं। पहले दिन उन्होंने रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मंत्रियों की बैठक ली। वहीं आज दूसरे दिन प्रदेश मुख्यालय में महापौर सहित सभापतियों की बैठक ली। इस बैठक में कुमारी शैलजा ने सभी महापौरों से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और तैयारियों पर जोर डाला। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि अब चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से की जाएंगी। आगामी चुनाव में उन्होंने सहभागिता से काम करने की बात कही। वहीं चिरमिरी महापौर कंचन जायसवाल ने कहा कि इस बैठक में एक रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। वहीं शहर के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे सत्ता और संगठन के साथ मिलकर हम आगे काम करेंगे। देखिए, आज जो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी सैलजा जी हैं वो पूरे महापौरों और सभापतियों की मीटिंग ली और आगे की एक रूपरेखा हमने तैयार की कि कैसे हमको आगे का चुनाव लड़ना है, क्या करना है। उस विषयों पे अहम मुद्दों पे कुछ चर्चाएं हुई और शहर विकास के बारे में भी बात हुआ, निगम में कैसे काम करना है, क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी विस्तारपूर्वक चर्चाएँ की गई। बैठक समाप्त हो गई है अभी और कोई चर्चा बची है? नहीं, बैठक पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। हमको जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसके आधार पर हम आगे और काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आगे हम सत्ता और संगठन मिलके बहुत अच्छा काम कर सकें। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी चंदन यादव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया व नगर निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर सहित सभी महापौर व सभापति मौजूद रहे।